من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. देखिए इससे पहले के एपिसोड में हम कान नहा कौकबुन दुर्रियुन के ताल्लुक से पढ़ रहे थे, तो कान नहा कौकबुन दुर्रियुन में ये मुब्तदा है, कान नहा कौकबुन दुर्रियुन ये खबर है। जैसा कि पूरा जुमला हो गया है, यहाँ पर कान नहा कौकबुन दुर्रियुन, तो यहाँ पर अर्रजलु मौजूदुन, मौजूदुन जैसे ये अर्रजलु इसम की जगह आ रहा है और इसका जो फ्लेस आ रहा है मरकब तौसीफी। कौकबुन कहते हैं स्टार को, कौकबुन कहते हैं स्टार को। दुर्रियुन ये स्टार जो है लार्ज पर्ल जिसे कहते हैं, लार्ज पर्ल जो ब्रिलियंट स्टार जो होता है ना, जो चमकता हुआ मोती जो कहा जाता है, लार्ज पर्ल जिसको कहते हैं, वो ये सितारा है लार्ज पर्ल, चमकता हुआ पर्ल की तरह है। तो ये सिफत आ रही है, कौकबुन का मतलब होता है आपको स्टार और दुर्रियुन लार्ज पर्ल। अच्छा, और इसका जो प्लूरल आता है, कौकबुन का जो प्लूरल आता है कवाकिबुन, कवाकिबुन कवाकिबुन उसका प्लूरल होता है, और इसका जो प्लूरल बनता है दुरारुन गोराफुन गोराफतुन गोराफुन बनता है गोराफतुन। इससे पहले आप गुरफतुन पढ़े थे, आप कमरे के लिए आता है ये लफ्ज, इसका जो प्लूरल बनता है गोराफुन आता है गोराफुन, ये दुरारुन ये पैटर्न पर बनते हैं वो। बहरहाल चलिए, इसका जो एनालिसिस करना था हमें, मुब्तदा खबर बन गया है। मगर अगर यही जुमला किसी नाउन के लिए सेंटेंस बनकर खबर बनकर आ रहा है, वही जुमला सेंटेंस बनकर आ रहा है, तो कैसा आएगा देखिए आप। तो अगर यहाँ पर अज़ुजाज, क्या था ये अज़ुजाजु, ये मैं अभी लिख रहा हूँ आपके लिए, ये पहले मैं समझाया हूँ प्रीवियस एपिसोड में ताकि आपको ये जुमला समझ में आ जाए। इसको मैं खबर बनाऊँगा किसी और मुब्तदा के लिए, देखिए क्या है वो अज़ुजाजतु, अज़ुजाजतु कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन, ये बन रहा है खबर। अब ये बन गया आपका, यहां पर देखिए ये मुब्तदा के प्लेस पर आ रहा है, सेंटेंस खबर बन के आ रही है। देखिए मुब्तदा ये पूरी खबर बनकर आ रही है, तो अज़ुजाजतु कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन अज़ुजाजतु अज़ुजाजतु, ये जतु मिस हो गया है, अज़ुजाजतु अज़ुजाजतु ये ज़ेपेज़ु, अज़ुजाजतु कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन। तो ये आपको अज़ुजाजतु मुब्तदा है, कान्नहा खबर है, ये पूरा जुमला खबर बन के आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आयत है हमारी युकदु मिन शजरतिन मुबारकतिन। अब यहाँ पर युकदु जो है वो फेल है, हम अभी फेल नहीं पढ़े हैं, इसीलिए जुमले इस्मिया ही हम समझ सकते हैं। जब फेल हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह दो तरह के जुमले भी हम समझने के काबिल हो जाएंगे, जुमले इस्मिया और जुमले फेलिया। अब ये पहचानना कैसा है जुमले इस्मिया और जुमले फेलिया, अगर कोई मुब्तदा मतलब इस्म से शुरू होने वाले जुमले को जुमले इस्मिया कहते हैं, फेल से शुरू होने वाले जुमले को जुमले फेलिया कहते हैं। देखिए इस आयत में ये तमाम हिस्से हैं इस आयत के, अभी आयत मुकम्मल नहीं हुई है, मगर इन आयत में इतने जुमले नज़र आए हमें जुमले इस्मिया के, तो हमने आपके सामने लाए। तो ये जुमला पहला जुमला था, ये दूसरा जुमला, ये तीसरा जुमला, ये चौथा जुमला, ये पांचवा जुमला, पांच जुमले हम करें हैं यहाँ पर। ये रहा पहला जुमला, एक, ये दो, ये तीन, ये चार और ये पांच। ये पहले समझा दिया गया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, उसके बाद उसका मुब्तदा लाया गया है अज़ुजाजतु, आपको आसानी से ये क्लियर हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है आसानी से आप इसको समझ भी गए हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें आपको मालूम हुई हैं वो यही हैं कि मुब्तदा खबर
ये खबर बनकर आ रहा है, मुब्तदा मुताल्लुक खबर खबर बनकर आ रही है, मुकम्मल हो जाएगा जुमला। फीहा मिसबाहुन, ये सामने लाया गया है, इसको नकीरा में एक चिराग, ये बताने के लिए आपको ऐसा किया जाता है। क्यों किया जाता है? द चिराग को, द पेन को ए पेन करने के लिए किया जाता, ऐसा किया जाता है। इसको सामने लाया जाता है, इसको पीछे लाकर डबल तंडी दी जाती है। अल बैतु फिल बैतु फिल बैती रजुलुन की तरह वो पैटर्न है। अल मिसबाहु फी जुजाजती, ये देखिए जुजाज के बारे में हम पढ़े थे, शजरुन शजरतुन जुजाजुन जुजाजतुन, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? पीस बताने के लिए, अरबी ज़ुबान में किसी पीस के बताने के लिए, किसी वन का जिनसुल जमाई कहते हैं इसे। ये आप थोड़ा अगर याद रखना चाहें तो आसानी होगी आपको। उसके बाद कान्ना कौकबुन दुर्रियुन, ये पूरा का पूरा जुमला खबर बनकर आ रहा है अजुजाज के लिए। देखिए ये तमाम चीज़ें आपके सामने आई गई हैं, तो इसके लिए आप ये समझ में आ चुका है आपको कि ये सिचुएशंस अगर आपको पता हैं, ये पांच सिचुएशंस, तो किसी न किसी सिचुएशन में आपका जुमला इसमें आप बैठ जाएगा, कोई भी हो। यहाँ पर आपको सामने आ गया है समझ में, नाउन होगा, सेंटेंस भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर नाउन आया है, ये सेंटेंस आ गया है, पहला सिचुएशन मुकम्मल हो गया है। अल मिसबाहु फी जुजाजतिन, तो यहाँ पर हो गया आपका नाउन आ गया है, यहाँ पे सब अबाउट प्रेडिकेट आ गया है। यहाँ पर ये सिचुएशन दो, अगर ये दो चीज़ें अगर आपके जहन में मौजूद हैं तो आसानी से आप इस जुमले इस्मिया को आसानी से समझ सकते हैं कुरान मजीद में, और इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुरान से अपना राबता बहाल कर सकते हैं, और आपने आपको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट महसूस नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं कि मैं लिखने के बावजूद भी आप इसमें कैसे कुरान मजीद में की जो आयत है उसमें कैसे देखते हैं आप। आयत नंबर 1 इसमें आपको ये अभी पूरी आयत मुकम्मल नहीं हुई है, मगर इसमें आपको जुमले नजर आए, एक जुमला यहाँ से यहाँ तक एक जुमला मुकम्मल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक और एक जुमला मुकम्मल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक और एक जुमला मुकम्मल हो गया, यहाँ से यहाँ तक और एक जुमला मुकम्मल हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक और एक जुमला मुकम्मल हो गया। तो इन जुमलों को आसानी से आप समझ सकते हैं। अल्लाह नूर समावती वलर्स, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। मसल नूर ही का मिशकातिन, उसके नूर की मिसाल एक मिशकात की तरह है। एक मिशकात वो होता है जो दीवार में जो मेहराब बनाए जाते हैं चिराग रखने के लिए, एंशिएंट टाइम्स बनाए जाते थे, वो दीवार के अंदर एक मेहराब है, उसके नूर की मिसाल जैसा कि एक दीवार में एक मेहराब है। फीहा मिसबाहुन, उसमें एक चिराग है। अल मिसबाहु फी जुजाजतिन, और वो चिराग जुजाज में है, एक गोल उसके तरफ गोल एक ग्लास मौजूद है उस जुजाज में। जुजाज गोल ग्लास जो हुबाब कहते हैं हमारे बचपन में, उसे हुबाब कहा जाता था, ग्लास का जो हो एक शेप होता था जिसके दरमियान चिमनी जलती हुई होती थी, जिससे रोशनी एक चमकदार रोशनी जाहिर होती थी, उससे अल मिसबाहु फी जुजाजतिन, वो मिसबाह है वो ग्लास के अंदर मौजूद है। अल जुजाजतु कान्ना कौकबुन दुर्रियुन, अब जुजाज के बारे में बात की जा रही है, जुजाज कैसा है? जैसा कि एक कान्ना कौकबुन दुर्रियुन, एक स्टार है जो बहुत चमकदार स्टार है, वो ऐसा नज़र आ रहा है कि एक चमकदार स्टार है जिससे रोशनी बाहर आ रही है। तो यहाँ तक मुकम्मल हो गया। यू ख़ज़ मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़र्बिया, तो यहाँ पर यू ख़ज़ क्योंकि फेल है, अब मिन शजरतिन ये तो आप समझ गए होंगे फिल बैती की तरह आ रहा है, तो ये अप्लीकेशन आप कहीं पर भी कर सकते हैं उसकी, मगर यहाँ पर फेल शुरू हो गया है इसलिए मैं इसे यहाँ पर रोक रहा हूँ, ताकि आप अगले सेशन में हम दूसरी आयत जुमले इस्मिया पर होगी उसकी प्रैक्टिस के लिए आपका लेकर आएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह मेरे लिए भी आसान करे, आपके लिए भी आसान करे, और हमें कुरान के असल हिदायत को हासिल करने वाला बनाए, और कामयाब लोगों में से हमारा शुमार हो। अल्लाह से दुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।